इस सदी के अंत तक धरती पर भयानक आपदाएं आएंगी। दुनिया भर के साइंटिस्ट इस बात को लेकर परेशान हैं। वैज्ञानिक की रिपोर्ट पब्लिश करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी मैगजीन नेचर ने हाल ही में एक सर्वे कराया। सर्वे आम लोगों का नहीं था, आईपीसीसी की क्लाइमेट रिपोर्ट बनाने वाले वैज्ञानिकों का था। इन वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक गर्मी बढ़ रही है, उस हिसाब से 2100 तक धरती पर भयानक बदलाव होंगे। ये किसी प्रलय से कम नहीं होंगे। आईपीसीसी की क्लाइमेट रिपोर्ट को दुनिया के 234 साइंटिस्ट ने मिलकर बनाया है। उसमें से एक साइंटिस्ट और कोलंबिया के मेडेलिन में स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ एंटीकोया की रिसर्चर पाउला एरियास ने कहा कि जितनी तेजी से दुनिया बदल रही है, जरूरतें बदल रही हैं, संसाधनों का दोहन हो रहा है, प्रदूषण और गर्मी बढ़ रही है, उस हिसाब से तो जीना मुश्किल होने वाला है। लगातार बदल रहे बारिश के पैटर्न से पानी की किल्लत भी हो रही है और आगे चलकर ये स्थिति और भयावह हो जाएगी। पाउला ने चेताया कि जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, उस हिसाब से समुद्री जल स्तर भी बढ़ रहा है। मुझे लग नहीं रहा कि अंतर्राष्ट्रीय लीडर्स ग्लोबल वार्मिंग को लेकर बहुत ज्यादा सक्रिय है। वो धीमी गति से काम कर रहे हैं। इस गति से धरती को बचाया नहीं जा सकता। प्राकृतिक आपदाओं के चलते सामूहिक स्तर पर लोग विस्थापित हो रहे हैं। आईपीसीसी की क्लाइमेट रिपोर्ट में जो बातें कही गई है, उनके हिसाब से इंसानों के पास धरती को बचाने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है। कई वैज्ञानिकों ने भी पाउला एरियास की बात से सहमति जताई। नेचर जर्नल ने पिछले महीने इस क्लाइमेट रिपोर्ट को बनाने वाले 233 वैज्ञानिकों को सर्वे में शामिल कराया, जिसमें से 92 वैज्ञानिकों ने इसका जवाब दिया। यानी समूह के 40% वैज्ञानिकों ने स्पष्ट तौर पर कहा कि साल 2100 तक धरती पर इतनी तरह की समस्याएं आएंगी कि कई देश तो उसी में तबाह हो जाएंगे। बेमौसम बारिश, अचानक बादलों का फटना, सुनामी, तापमान ज्यादा होना, बाढ़, सूखा जैसी समस्याओं से इंसान परेशान हो जाएगा। जिन वैज्ञानिकों ने इसका जवाब दिया, उसमें से 60% ने ये माना कि इस सदी के अंत तक धरती का औसत तापमान 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। ये पेरिस समझौते द्वारा तय किए गए 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस तापमान से कहीं ज्यादा है। 88% वैज्ञानिकों ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से प्रलय जैसी आपदाएं आएंगी। जलवायु परिवर्तन कई पीढ़ियों को परेशान करेगा। इनमें से आधे वैज्ञानिकों ने क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अपनी जीवन शैली ही बदल ली है। जीवन शैली बदलने के मामले में सबसे बड़ा सवाल ये आया कि बच्चे पैदा करें या नहीं, क्योंकि हम अपने बच्चों को अच्छा भविष्य नहीं दे सकते तो उन्हें इस बर्बाद होती दुनिया में लाने की क्या जरूरत है। जवाब देने वाले वैज्ञानिकों में से 60% ने ये कहा कि उन्हें बेचैनी, दुख और तनाव महसूस होता है जब वो जलवायु परिवर्तन के बारे में सोचते हैं। पाउला एरियास कहती है कि वेनेजुएला जैसे राजनीतिक तौर पर अस्थिर देशों में तो स्थिति और बिगड़ेगी। वहां खाने और रहने की बड़ी समस्याएं हो रही है। ऐसे ही उन देशों का सोचिए जहां पर आए दिन कोई ना कोई बीमारी फैलती रहती है। अगर प्रकृति साथ ना दे तो स्थिति और भयावह हो सकती है। अमेरिका, चीन, यूरोपियन यूनियन समेत कई देशों ने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने का वादा किया है, लेकिन क्या वो ये कर पाएंगे? क्योंकि जिन तरीकों से ये किया जा सकता है, उसके लिए दुनिया अभी मानसिक और आर्थिक तौर पर खुद को तैयार भी नहीं कर पाई है। अफ्रीकन इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिकल साइंस के क्लाइमेट मॉडलर और आईपीसीसी की रिपोर्ट में शामिल साइंटिस्ट मो हमादो बांबा सिला ने कहा कि इस समय दुनिया भर की सरकारें सिर्फ ग्रीन वादे कर रही हैं, कोई एक्शन लेता हुआ नहीं दिख रहा। चाहे वे अमीर देश हो या विकासशील, गरीब देशों की तो बात ही नहीं कर सकती। जमीन पर क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग को लेकर कोई काम होता नहीं दिख रहा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में दुनिया बचेगी या नहीं बचेगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। ये रिसर्च आपको और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।